त्रिपुरा वासियों को मेरा नमस्कार जतनु खुलुम खा। भाइयों और बहनों, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने मुझे त्रिपुरा का प्रभारी का दायित्व सौंपा और मैं त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा की परिस्थिति, त्रिपुरा में होने वाले अत्याचार, त्रिपुरा की गरीबी, त्रिपुरा के अंदर जो सारा मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है, इसको देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। आप लोगों की परिस्थिति देखकर मेरा दिल दहल गया और मैंने यहीं पर रहने का निर्णय किया। लगभग 3.25 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं कब त्रिपुरा का हो गया, आप कब मेरे हो गए, मैं आपका कब हो गया, ये मुझे पता नहीं चला। भाई और बहनों, मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी को याद करता हूँ, मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के बहादुर देव वर्मा को याद करता हूँ, मैं श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी को याद करता हूँ, श्री श्री राम ठाकुर जी को याद करता हूँ और अनेक गुरुओं को याद करता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, सबको स्मरण करके मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस दिन का 37 लाख त्रिपुरासी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दिन आ गया है। आज 4 बजे प्रचार बंद होगा और परसों सुबह वोटिंग चालू होगा। मेरा आपसे निवेदन है, परिवर्तन के लिए मतदान कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति ने मतदान करना चाहिए, निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। इस राज्य में जो जुल्मी, दुष्ट, भ्रष्टाचारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 25 साल से दुराचारी शासन चल रहा है, उसको समाप्त करना, जो देश पर प्रेम करता है, जो गणतंत्र पर प्रेम करता है, ऐसे हर व्यक्ति का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में सत्ता दीजिए। एक बार कम से कम ऐसा हो जाए कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी की 5 साल सरकार त्रिपुरा में बने, फिर देखिए त्रिपुरा कितना तेजी से दौड़ेगा, आगे दौड़ेगा, विकास की रफ्तार में सबसे आगे पहुंच जाएगा। बीजेपी को आप एक मौका देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को 5 साल में हम रोजगार देंगे। गरीब लोग रेगा का काम करने के लिए मजबूर है। हम रेगा का काम करने वाले को 170 रुपये का दिन का रोजगार नहीं, 340 रुपया देंगे। सिर्फ रेगा नहीं, हर मजदूर को, जिस किसी प्रकार की मजदूरी करने वाला हो, चाहे रबर बागान में हो, चाहे चाय बागान में हो, जहां भी मजदूरी करने वाला, खेतों में मजदूरी करने वाला, घर बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, डेली वेजेस वाला जो है, उसको 340 रुपया प्रतिदिन देने का वादा भारतीय जनता पार्टी करती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को, जो आज तक चौथे पे कमीशन में रह रहे, उन लोगों को जैसे सरकार बनेगी तुरंत 7 पे कमीशन देने का हम वादा करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है, 36,000 कर्मचारी त्रिपुरा में है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, अनेक सालों से है, जो परमानेंट है उनसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो परमानेंट है उनसे कम दाम उनको मिलते हैं, कम रोजगार मिलता है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, और जो गलत काम करवाने वाले रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ये खेल, ये नाटक हम बंद करेंगे। 36 के 36,000 सारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स को हम परमानेंट करेंगे। महिला को सुरक्षा देंगे। हम इस राज्य में कानून व्यवस्था देंगे। पुलिस किसी पार्टी की नहीं होगी। आज पुलिस CPM पार्टी की पुलिस बनी हुई है। बीजेपी सरकार में आने के बाद पुलिस बीजेपी की भी नहीं होगी। 37 लाख त्रिपुरावासियों की सुरक्षा और कानून को वहां पर बचाए रखने के लिए, कानून का राज कायम करने वाली पुलिस रहेगी। मेरे भाई और बहनों, इस राज्य में हम महिला को स्वयंपूर्ण बनाएंगे। OBC समाज के सारे अधिकार जो कानून ने दिए हुए हैं, हम OBC समाज को देंगे। SC समाज की उपेक्षा खत्म करेंगे। इस राज्य के जनजातियों को, जिनकी जमीन नहीं है, उन 1.25 लाख जनजातियों को हम उनकी डिमार्केशन के साथ भूमि देंगे। कॉकबरोक भाषा को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से डिस्ट्रिक्ट शब्द हटाकर उसको स्टेट काउंसिल कहकर केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंडिंग देने का प्रावधान हम 6th शेड्यूल के बिल में अमेंडमेंट करके देंगे। इस राज्य में जो काउंसिल है, जो जनजातियों का काउंसिल है, राज्य का जो बजट है उसका 31% पूरा उनको खर्चा करने के लिए देंगे। जो उनका अधिकार है वो उनको हम देंगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, त्रिपुरा में एक ऐसा त्रिपुरा हम देंगे जिसमें सड़कें अच्छी होगी, जिसमें पीने का सफा पानी मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, सब प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेस, कारखाने आएंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रबर के कारखाने बनेंगे, रबर के वस्तुओं के कारखाने बनेंगे, बाम्बू से विकास होगा, पर्यटन से विकास होगा। इस राज्य में, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को लाइए, निर्भयता से मतदान कीजिए और बराबर शाम सुबह उठने के बाद पहला वोट कमल के सामने डालने के लिए जो परिवर्तन चाहते हैं वो सब लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और बाकी लोगों को बुलाकर भी वोटिंग करने के लिए बताएं। पूरा दिन मेहनत करके किसी से नहीं डरे, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, कानून आपका सहयोग करेगी। गुंडागर्दी करने वाला जेल जाएगा, चिटफंड चोर जेल जाएंगे, रेगा चोर जेल जाएंगे, एक अच्छा त्रिपुरा, नया त्रिपुरा हम सब बनाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।